लंगर और उधर अभी हर राम चल रहा है 24 घंटा का। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अंकित। तो गाइस जा रहे हैं आज 22 जनवरी यानी कि आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, पूजन है रामलला का। तो अभी मैं आया हूँ अपने छत पे झंडा लगाने, जो कि जय श्री राम वाला झंडा है। तो झंडा मैं आपको दिखला रहा हूँ। अभी उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे घर के पास मार्केट में एक बजरंगबली का मूर्ति था, तो वो मूर्ति अभी नया बना है, तो उसका भी आज प्राण प्रतिष्ठा है। तो अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो पूजा हो रहा है अभी वहाँ। तो मैं भी झंडा लगा रहा हूँ अपने घर पे और मैं यहाँ का हो गया हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है अभी वहाँ। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ दिखलाते हैं आपको कि कैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा का पूजा हो रहा है। तो सबसे पहले ना ये वाला झंडा अपने छत पे लगा देते हैं, एक नीचे वाले पे लगा दिए। और इधर से देखो हर एक के छत पे ना अभी झंडा दिख रहा होगा। तो एक बार बोलते हैं जय श्री राम, क्योंकि हमें सनातन। हाँ तो अभी ना इस झंडे को लगाते हैं छत पे और चलते हैं अभी वहाँ बजरंगबली के मूर्ति के पास, जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो कि मैं पहली बार देखूंगा। तो भी चलते हैं वहाँ और अयोध्या में भी पूजा हो रहा है। गाइस यार ना मैं अभी निकल गया हूँ घर से मोड़ पे जाने के लिए और रवि के साथ में जा रहे हैं। अरे कल एग्जाम देने गए थे भाई, क्या करें। तो अभी फिलहाल चलते हैं मंदिर पे और वहाँ का सीन देखते हैं। गाइस ये देखो यही चल रहा है अभी प्राण प्रतिष्ठा का पूजा, पूरा मंदिर उन्दिर दम सज गया है। ये सब छोटकन लेकिन नहीं जे बैठल है आपका। देखो अंदर अभी मूर्ति पूजन चल रहा है। ये रहा पूजा का कलश और ये बन रहा है नया मंदिर। बैठे हैं सारे लोग, अंदर चल रहा है बजरंगबली का पूजा। अभी इधर बाहर बैठे हैं सारे लोग जहाँ पे चल रहा था पूजा, और ये रहे बच्चा। अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अन्य से पूजा किया जा रहा है। गाइस यार इस टाइम बजरंगबली को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए चावल से पूरा ढका जाता है। तो अभी चारों तरफ कर्टन लगा देते हैं और चावल तो पहले से डल रहा होता है, बट अभी जो है वो आधा मूर्ति भर गया है बजरंगबली का और अभी थोड़ा सा बाकी है, तो कुछ और चावल लगेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो इस प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो भगवान जी को पूरा अन्न से जो है ना पूरा ऊपर तक भर दिया जाता है। लावत
थोड़ा सा मैक लगा गाइज। अभी भगवान जी को जो है वो अन्न से पूजा करने के बाद यानी अन्न से ढकने के बाद सारा अन्न बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद उनकी साफ सफाई की जाती है और साफ सफाई करने के बाद और कई सारे तरीकों से पूजा करने के बाद अभी हनुमान जी को पूजा करने के बाद फूल चढ़ाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर काफी ज्यादा भीड़ है और इसी मंदिर में मैं भी अंदर में हूँ। अभी सारे विधि विधान से पूजा करने के बाद बजरंग बली को अपने स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि उनको थोड़ा ऊपर किया जा रहा है जमीन से। तो अभी सारे लोग उसी में लगे हुए हैं और बजरंग बली का मूर्ति जो वो काफ़ी भारी है, तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे चढ़ाया जाए। तो सब मिल के जो है बजरंग बली को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर देते हैं। बजरंग बली को अपना स्थान ग्रहण करवाने के बाद पंडित जी जो है वो सबको हाथ जुड़वाते हैं और हाथ जुड़वाने के बाद फिर से कोई मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद बजरंग बली के हाथ से पट्टी हटाई जाती है और उनको अपना सुंदर सा प्यारा सा मुख खुद दिखलाया जाता है आईने में। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये आईना किस लिए दिखाया जाता है, तो मैं आपको भी बता दूं कि आईना दिखाने के पीछे का कारण ये है क्योंकि मंत्र पढ़ने के बाद और काफ़ी सारा पूजा विधि विधान करने के बाद मूर्ति के अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और इसलिए भगवान जी को आईना दिखाया जाता है, ताकि उनके आँख का तेज का प्रकोप किसी और पर ना पड़े, उनको खुद का चेहरा दिखाया जाता है।
कीर्तन चल रहा है इधर। गाइस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ना अभी लंगर चल रहा है, तो ये रहा लंगर और उधर अभी हरिनाम चल रहा है 24 घंटा का। उधर लंगर चल रहा है और इधर देखो प्रसाद मिल रहा है। देखो पूजा हो चुका है खत्म, उधर लंगर चल रहा है और अभी मैं आपको मूर्ति दिखलाने ला गया। अभी रात के बच चुके थे 8 या 9, टाइम का पता नहीं है मुझे। तो लंगर अभी ख़त्म ही होने वाला था, तो हम अभी आ जाते हैं खाने के लिए क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है। तो मैं और राहुल दोनों के दोनों फिर से लाइन में लग जाते हैं। तो भी भूख लग रहा था तो हम भी खाने आ गए। तो टोटल 7 घंटे लंगर अभी चला है और अभी चल ही ना है, लेकिन हमको भूख लग गया। 8 बजे नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? मैं सत्यम और विनोद राहुल तीनों के तीनों आ गए खाने। खाने पीने के बाद थोड़ा सा और रुकेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर। एक बार जाओ दिखा के आओ उधर। गाइस यार मैं अभी आ गया हूँ घर मोड़ पे से और अभी देखो रात के बज चुके हैं 9:30 यानी कि 10 बजने वाले। तो ये 10 बज चुका है और मैं वहाँ से आ गया हूँ खा पी के। तो अभी हरि कीर्तन चल ही रहा है, आपको आवाज़ अगर सुनाई दे रहा हो तो बताना एक बार ध्यान से सुनो। देखो अभी आवाज़ आ रहा है। तो हरि कीर्तन जो है वो 24 घंटे का है, वो तो कल बंद होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम चलते हैं सोने क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मेरे रूम में अभी बेड लगा है मैंने। तो चलते हैं कि सोने रात किस वीडियो करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए तिल रन मिसेस और जय श्री राम।